सबका टाइम आएगा, यही मंत्र आज के भारतीय राजनीति में चरितार्थ होता दिखाई देता है। जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस आज देश में हाशिए पर चली गई है, तो वहीं कभी दो सीटों पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार देश में सरकार चला रही है और सबसे बड़ी पार्टी भी बन चुकी है। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी का भी तमगा हाथ से सरकता दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे राष्ट्रीय विपक्ष के रूप में आप पार्टी अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए कांग्रेस को कहीं पीछे छोड़ती चली जा रही है। चलिए अविलंब प्रारंभ करते हैं। अब देश में वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां बनने का सपना संजो रही थी, आज उनको अपने क्षेत्र में और राज्य में ही संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वो दल जिसने नई मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए कमर कसती दिखाई दे रही है, वो है आम आदमी पार्टी। यह अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आज पंजाब में भी दिल्ली के 2015 और 2020 जैसे प्रचंड बहुमत से जीतने में कामयाब रही। उसने सबसे पहले विपक्ष की भूमिका में पंजाब को 5 साल समझा और फिर 2022 के चुनाव में लोहा गर्म होते ही हथौड़ा चला दिया। पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतकर कुल 117 सीटों में 92 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी का गढ़ राजधानी दिल्ली के बाद एक और राज्य पंजाब बन चुका है। यह कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि वर्ष 2015 में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली से उखाड़ फेंका था। बिल्कुल वही हाल पंजाब में इस बार देखने को मिला है। कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार को शून्य पर ला देने का काम करने वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से उसका किला पंजाब भी छीन लिया है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि विपक्षी दलों में अब कौन सा ऐसा दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरेगा, क्योंकि कांग्रेस की हालत तो पतली ही होती जा रही है। एक जमाने में सरकारों की संख्या गिनने वाली पार्टी अपने बचे कुचे कुनबे को समेटने में संघर्ष करती दिखाई दे रही है, तो ऐसे में विपक्षी दल का अगला स्वरूप कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं बन रही। 2013 में शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के पहले चरण में यह कहा था कि कौन है यह आप, कौन है अरविंद केजरीवाल, यह कौन? यही प्रश्न शीला दीक्षित की सरकार को कब मौन कर गया किसी को पता भी नहीं चला। 2013 के बाद से अपने उदय से ही शीर्ष पर पहुंचने की अभ्यस्त हो चुकी आम आदमी पार्टी शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय मुद्दों की राजनीति कर अपने अस्तित्व को दिखाने में आगे रहती थी। वह कभी भी एक क्षेत्र तक सीमित बातों की राजनीति करने से परहेज करती आई है। दिल्ली में 2 बार प्रचंड बहुमत लाना कोई आसान काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से ही साम दाम दंड भेद वाली चाणक्य नीति का अनुसरण कर अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए आम आदमी पार्टी गठबंधन से भी परहेज नहीं करती, फिर चाहे वो पहली बार की दिल्ली वाली 49 दिन की सरकार ही क्यों ना हो। इससे पहले यह पहली बार प्रदर्शित हुआ था कि आम आदमी पार्टी समावेशी राजनीति को इस कदर अपनाती है, जैसा कि कोई चाहे कुछ भी बोले, अपना अंतिम लक्ष्य तो सत्ता की प्राप्ति ही है। ऐसे ही दिल्ली में कांग्रेस को वनवास भेजने के बाद और अब पंजाब में प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के उपरांत जिस प्रकार कांग्रेस शासित प्रदेश अब कांग्रेस विहीन होते जा रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी का स्वाभाविक उदय हो चुका है। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए किसी भी दलों को 4 राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही 5 से 6% वोट भी चाहिए होता है। ऐसे में दिल्ली के बाद पंजाब में एक तरफा सेंधमारी कर सरकार बना लेने के बाद आपकी 2 राज्य तो पूर्ण रूप से पक्के हो गए हैं। शेष अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार आम आदमी पार्टी पैर पसार रही है, यह मानदंड भी आम आदमी पार्टी शीघ्र पूर्ण कर लेगी, ऐसा ही प्रतीत होता है। यह आम आदमी पार्टी के लिए गर्व करने की और अन्य पार्टियों के लिए सीखने की बात होगी कि आम आदमी पार्टी में जिस नेता को जो जिम्मेदारी दी जाती है, वो उसके लिए जुट कर काम करता है। ऐसे में अपने प्रभावशाली होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा है कि कल को मनीष सिसोदिया वर्चस्व कायम न कर ले, संजय सिंह पार्टी का एकाधिकार न हड़प ले। इसके बावजूद पार्टी में टूट के स्वर नहीं उष्मित होते, क्योंकि वो सब अपने काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यह अन्य किसी भी पार्टी में देखने को नहीं मिलता। इसी कारण धीरे धीरे ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का पत्ता साफ कर अपना सिक्का बुलंद कर रही है।
जैसे जैसे पंजाब आम आदमी पार्टी ने अपने हाथों में ले लिया, उसका अगला निशाना हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य हो सकते हैं, जहां वो अपनी स्थिति पंजाब की तरह भुनाने में कब से जुटी पड़ी है। यह आम आदमी पार्टी के एक ध्येय पर काम कर रही टीम का ही परिणाम है, जो वो एक एक कर सभी विपक्षी दलों को क्षेत्रीय लड़ाई में भिड़ने के लिए छोड़ स्वयं राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर रही है।